आप लोगों ने मुझसे बोला था कि ब्लॉग बनाने के लिए, तो चलिए आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ, ठीक है? चलिए चलिए हम लोग निकलते हैं। ये मेरा रूम है जो आपको पहले भी मैं अपने वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से गेट अपना खोला और ये देखिए, ये है मेरा हॉस्टल और ये मेरा है रूम 705, ठीक है जी। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ से आपको इस साइड में भी रूम पड़ते हैं, ठीक है? देन उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इस साइड दिखा देता हूँ। ये जितने भी हैं, ठीक है ना, 704 से लेकर ये सब मेरे क्लासमेट हैं, ठीक है? और ये इसका डस्टबिन है इस फ्लोर पर, हर फ्लोर पर एक डस्टबिन से रखा होता है, ठीक है? देन इसके बाद में ये आपका है, ये आपका बाथरूम है और T21 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ यहाँ पे पानी है, पानी का गीज़र है, पानी का आपका एक्वा गार्ड का गीज़र है, ठीक है? और यहाँ पर आप इसको जब प्रेस करेंगे तो इसमें से पानी निकलता है, इसमें से आपको ठंडा पानी, इसमें से नॉर्मल पानी निकलता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा बाथरूम आप, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह आते हैं और ये है हम लोगों का जहाँ पे हम लोग आ करके अपना बाथरूम कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये भी मैं आप लोग को, यहाँ पे हम लोग आ करके बाथरूम करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा गंदा है बिकॉज क्योंकि साफ नहीं हो पाया है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग फिर और आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए अभी सारे लोग, और ये एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए, ठीक है? ये आपका वाईफाई है, इसी वाईफाई से प्रॉक्सी के थ्रू हम लोग इंटरनेट चलाते हैं अपना, ठीक है? हर 15 से लेकर के 20 फीट पर एक आपका ये लगा रहता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको अभी इस साइड लेकर चलता हूँ। इस साइड आएंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक का रूम है जो हम लोग को खोलने के लिए परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है? और ये यहाँ से सीढ़ियाँ है, इस सीढ़ी से आप जा सकते हैं और सबसे नीचे आप जा सकते हैं, ठीक है? और इसके ऊपर अब कुछ है नहीं, तो ये 7th फ्लोर इसका लास्ट फ्लोर है। तो देख लीजिए ज़रा सा कि कितने फ्लोर कितनी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं। चलिए तो अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको ये छोटा सा लुक, ठीक है? देखिए यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? और ये आपका नीचे का फ्लोर है जहाँ पे साइकिल विकल भी लगा हुआ है, ठीक है? देन उसके बाद में हम आते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे जो आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका कैरम बोर्ड भी है, ठीक है? यहाँ पे आपका टेबल टेनिस है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ठीक है? और ये इसको कॉमन हॉल बोला जाता है, ठीक है? कॉमन हॉल में हम लोग अपना आकर के कुछ ना कुछ खेलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से भी आपको एक स्टेयर्स मिल जाता है, ठीक है? देन उसके बाद में आप यहाँ पे आइएगा तो आपको मिल जाएगा लिफ्ट, ठीक है? ये लिफ्ट है, अभी 0 पर है, ठीक है? और ये पोस्टर जो है, ये पोस्टर हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नए नए पोस्टर यहाँ पे लगे होते होते हैं जो जो फंक्शन होता है, ठीक है? तो ये आपका लिफ्ट है, देखिए लिफ्ट आ रही है। आपको अभी गलियारा दिखा दे रहा हूँ, इसको कॉमन हॉल बोला जाता है, ठीक है? रात में मैंने बनाया हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टेबल टेनिस है, उसके बाद में यहाँ पे भी टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड भी है, ठीक है? और फिर हम लोग यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे है हम लोगों का लिफ्ट, ये रहा हम लोगों का लिफ्ट। और ये मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया और ये लिफ्ट हम लोगों का आ रहा है। और ये आपका पोस्टर है, यहाँ पे हमेशा एक सप्ताह में कोई ना कोई पोस्टर यहाँ पे हमेशा नया नया लगा रहता ही है, ठीक है? और कोई बिकॉज़ कि हर रोज़ कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहता है, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट भी होता है, ठीक है? तो हम लोग 7th फ्लोर पर होते हैं और हम लोगों का
लिफ्ट जो है वो आ गया। चलते हैं, चलिए जी। और ये बटन है, मैं इसको ग्राउंड फ्लोर पर प्रेस करता हूँ, क्लोज करता हूँ। चलिए, तो या मैं अभी अपने लिफ्ट में हूँ और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने मेस में। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का मेस और वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ लड़कों का। ठीक है, और वहाँ पे आपका मेस है और ये है आपका, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका टेनिस कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप हम लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, ये आपके हॉस्टल के नीचे का पोर्शन है। देन यहाँ पे हम लोग अपना रिक्शा लगा सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइकिल वकील अपना लगा सकते हैं परचेज करके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर आगे। ये हम लोगों का आपका मेस आ गया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं 7th फ्लोर पर। और ये है आपका पोस्टर। ठीक है, यहाँ पे अभी कलरअप हो रहा था तो ये मेस के दरवाजे पे ही पूरा का पूरा पोस्टर लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे अपना हाथ वॉश करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसमें कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ पे हम लोगों का ये मेस है। देखिए यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, तो हमेशा पोस्टर लगता रहता है। ठीक है, ये हम लोग का मेस है। और तो देखिए ये हम लोगों का मेस है और यहाँ से हम लोग खाना ले लेते हैं और इस प्रकार से टेबल है, हम लोग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं। चलिए, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको अब दिखा रहा हूँ आगे की चीज़ें। ठीक है जी, तो अब आप देखिए यहाँ पे है जूस वाले। ठीक है, हॉस्टल के नीचे ही जूस वाले हैं, अगर आपको जूस लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे है हम लोगों का एक छोटा सा दुकान है, यहाँ पे इस दुकान को आप छोटा मत समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए कहीं पर भी जहाँ स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे पोस्टर हमेशा लगा रहता है। ये सारी की सारी फंक्शन हमारे इंस्टीट्यूट में ही होता है। ठीक है, तो अगर आप कभी नए हैं और SBBH में आते हैं तो आपको यहाँ से आपको बेड से लेकर तकिया से लेकर के बाल्टी से लेकर के इस दुकान पे मिल जाएगा। अभी ये दुकान क्लोज है लेकिन सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलते हैं, तब हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बैठना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर आपका है। ठीक है, और वो है आपका SBBH का गेट और ये है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, ये हम लोग का हॉस्टल है, ये आपका है, वहाँ पे आपका मेस है, दैट्स ऑल। ओके जी, यहाँ से हम लोग का ये पूरा का पूरा हॉस्टल है और वो गेट हमेशा बंद ही रहता है। अब यहाँ से मैं एंट्री करके अपने फ्लोर पर जाऊँगा और चूँकि आज कलरव है तो कलरव में ओके हेलो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ये है हम लोग का नोटिस बोर्ड, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो लगा रहता है। देखिए यहाँ पे कलर अप हो रहा है। ठीक है, तो कलर अप का आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है जी, ये हम लोग का नोटिस बोर्ड है, देन वहाँ पे भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका, अगर आप टी शर्ट परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और इम्प्रेशन है IIIT में हो रहा है तो मैं इसमें जाने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले सेशन को अटेंड मैं करने वाला हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग का ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के बाद में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मुझे ये लगता है, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बिलीव इन दैट।
जितने भी कोई भी वर्क हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें पीक लेवल पे पहुंचना है तो उस सारी पावर जो है वो हमारी अंदर ही है, बाहर नहीं है, बस उस पावर को एक्टिवेट करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम लोग अपने फिर फ्लोर पर। व्हाट हैपेंड, चलिए हम लोग का फिर से लिफ्ट आ गया और हम जाएंगे अपना 7x7 दबाया, डोर क्लोज किया और 7 काउंट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पोस्टर लगाया हुआ था, तो जो जहाँ कहीं भी जगह मिलता है वहाँ पे पोस्टर लग जाता है कि ये फंक्शन हो रहा है, और हमेशा हमेशा ना कुछ फंक्शन होता रहता है जी। ठीक है, तो हम अपने फ्लोर पर चलते हैं और चलिए हम लोग अपने 7th फ्लोर पर आ चुके हैं, 7th फ्लोर पर आ चुके हैं जी, निकलते हैं तब हम लोग। चलिए हम लोग 7th फ्लोर पर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपने 7th फ्लोर पर आ चुका हूँ। देखिए उस साइड भी कॉमन हॉल था, इस साइड भी कॉमन हॉल है, मतलब कि हर फ्लोर पर आपको 2 कॉमन हॉल देखने को, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, तो हर फ्लोर पर आपको 2 कॉमन हॉल मिल जाएगा और इस SBBH में 2 आपके, ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हर फ्लोर पर आपको 2 कॉमन हॉल मिल जाएगा जिसमें TV भी लगी रहती है, मैच देख सकते हैं, लेकिन मूवी वूवी नहीं होता है, सिर्फ न्यूज़ और मैच आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है वाईफाई, जो मैंने आपको कल दिखाया था, यह हर 20 या 30 फीट पे लगा रहता है, इससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी फायर ही हम लोग चलाते हैं, क्योंकि विंडो को अपडेट भी करना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे IIT NITs में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉक्सी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने रूम की तरफ। डस्टबिन, और ये मेरा रूम आ गया जी, 705। ठीक है, 705 आ गया। ठीक है, ये मेरा कबर्ड है। ठीक है जी, और ठीक है, जैसे ही आप मेरे रूम में एंटर कीजिएगा आपको ये दिखाई देगा। ठीक है ना, एक अच्छा पोस्टर, और उसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही है, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। और आज का जो शेड्यूल है वो मैं 2 बजे से बाहर निकलने वाला हूँ, तो अब 2 बजे के बाद ही अब हम लोग देखेंगे 1x1 करके। ठीक है जी, और 2 बजे के बाद मैं आपको घुमा दूँगा कि CULRAV का कैसा माहौल है यहाँ पे। ठीक है, ah ha 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 ha
next and last song is just an impromptu song. It's Adat and Gulabi. Na jaane kab se Show 2019 presenting Extreme 200. That's the Extreme now. That's the power of Extreme 200. Wow, man. Bas thak gaye. Yeah, that's the power of MNIT. Acha, main yahan pe aa raha tha. Mujhe kuch log keh rahe the. We'll be right back.
Thank you.
चलिए मैं आपको अपने कैंपस का थोड़ा सा बैंक भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए ये है हम लोगों का बैंक, विजय बैंक।
स्वामी विवेकानंद। अपने रूम पर आ चुका हूँ। कलरव 4 दिन का NIT का फेस्ट होता है और ये अप्रैल में ही आता है। इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, डांस होता है, नुक्कड़ होता है, हर चीज़ होता है और अच्छे अच्छे कंपनी इस इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं। इस बार जो स्पॉन्सर की थी इस फंक्शन को, वो हीरो मोटर कॉप ने किया था इसको स्पॉन्सर। उसके बाद में मैंने आज के ये दिन ख़त्म हो गया और मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग बोल रहे थे बनाने के लिए, कलर ऑफ का ही मैंने बना दिया। तो कल्चर काफ़ी अच्छा है, चाहे वो IIT का हो या फिर NIT का हो। इन सारे चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता क्योंकि ऑडिटोरियम से लेकर के हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बने बनाए हैं। कोई भी फंक्शन अगर होना होता है तो वो 2 से 3 मिनट में उसको डेकोरेट करके करवा दिया जाता है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने एक ये वीडियो लगा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से आप लोग बोल रहे थे ब्लॉग लगाने के लिए, मैंने ब्लॉग लगा दिया। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।